नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर सुनवाई हुई। उस दौरान झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा ये बातें कही गई कि सरकार कानून से चलती है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष से। इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट को झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया, तो अगली सुनवाई की जो डेट है वो 22 जनवरी को रख दी गई। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि झारखंड हाई कोर्ट ने कई तरह के और भी सवाल हेमंत सोरेन के सरकार पर दागे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें, जस्टिस अपरेश कुमार की सिंह की अदालत में जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले को लेकर कल सुनवाई हुई। उस दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि कई प्रावधानों पर स्पष्टता नहीं होने के कारण सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है, साथ ही एसओपी में तैयार किया जा रहा है। इस पर अदालत ने सरकार को 22 जनवरी तक जेल मैनुअल में किए गए बदलाव और अपडेट एसओपी की जानकारी मांगी है, साथ ही जेल आईजी और रिम्स प्रबंधन से भी रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि लालू किसके आदेश से रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिए गए। इसके अलावा अदालत ने ये जानकारी भी मांगी थी कि लालू से पिछले 3 महीने में कितने लोग मिले, उन्हें क्या विशेष सुविधा दी जा रही है और किसी भी कैदी को सेवादार उपलब्ध कराने से लेकर अन्य सुविधा देने के क्या नियम सरकार ने तय कर रखे हैं। इस पर सरकार की ओर से दिए गए अब तक के जवाबों पर अदालत ने असंतोष जाहिर किया है। बहरहाल 22 जनवरी तक सरकार को अपडेट जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है। सरकार ने अदालत को बताया है कि कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए लालू प्रसाद को रिम्स प्रबंधन ने पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया। इस पर अदालत ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा होने पर रिम्स प्रबंधक को पहले इसकी जानकारी किसी भी माध्यम से जेल अथॉरिटी को देनी चाहिए थी। कल की सुनवाई में कोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी आई कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। तो आपको बता दें कि लालू यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त वो चारा घोटाला मामले को लेकर सजा याफ्ता है और जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर कल उनकी सुनवाई हुई और हेमंत सोरेन की सरकार से अब तक कोर्ट को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। सुनवाई की अगली डेट जो है वो 22 जनवरी को रख दी गई है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।